मित्रों, जिंदगी जब बेहतर होती है जब हमें खुशी मिलती है, लेकिन उस समय जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है और सिंह राशि है, उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। यम नाम वाले, सिंह राशि वाले लोगों के स्वभाव की बात करें तो सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही उत्साह से भरे होते हैं। इनका स्वभाव राजसी और रौबदार होता है, व्यक्तित्व तो शानदार होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, नेतृत्व तो क्षमता बहुत अधिक होती है, कुछ न कुछ नया सीखने की चाहत हमेशा मन में रखते हैं, अपने मित्रों के लिए काफ़ी वफादार और सहयोगी लोग होते हैं, परोपकारी और दयालु स्वभाव होता है इनका, अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास करते हैं, दूसरों की सहायता करके खुश हो जाते हैं, अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं और अपने परिवार के लिए भी समर्पण का भाव रखते हैं। ये कई बार छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं, जिन बातों में इनको क्रोध नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी कई बार क्रोध कर लेते हैं, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो फिर झुकने को तैयार नहीं होते हैं, फिर इनका स्वभाव अड़ियल हो जाता है, लेकिन जितनी जल्दी इनको क्रोध आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। दिल से जीने वाले लोग होते हैं, मजाक की बातें भी कई बार बहुत बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर इनके अपने घर में कोई ऐसी बातें करे तो सहन भी कर जाएंगे, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनसे मजाक में भी कुछ बुरा बोल दे तो इनको बहुत ही बुरा लग जाता है। ये उन बातों को कभी भूलते भी नहीं है, ना ही उस व्यक्ति को कभी आसानी से ये माफ करने वाले होते हैं। समय आने पर ये उस व्यक्ति से बदला लेने का प्रयास भी कर सकते हैं। अच्छों के लिए बहुत अच्छे होते हैं पर बुरे लोगों को माफ नहीं करने वाले होते हैं। चलिए मित्रों, शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो वर्ष 2025 में यम नाम वाले सिंह राशि वाले विद्यार्थियों के लिए साल का जो शुरुआत है वो आपके लिए शिक्षा के मामले में अच्छी रहेगी। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता भी आपको मिलेगी और नई चीजें सीखने की इच्छा आपके मन में बनी रहेगी, अपनी शिक्षा को पूरा कर पाएंगे। कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को इस साल सफलता मिलने की संभावना वहां पर भी बनी रहेगी। इस साल आपके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी समय है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। व्यापार और नौकरी की बात करें, वर्ष की शुरुआत में दशम भाव में गुरुदेव का गोचर रहेगा, शनिदेव आपके साथ में भाव में रहेंगे। इस समय पर देखा जाए तो आपको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं और उसके बाद भी गुरुदेव का गोचर 11वें भाव में चला जाएगा मई के मध्य से, और शनि 8वें भाव में आ जाएंगे 29 मार्च को। तो इस समय पर आप अपनी नौकरी में अधिक मेहनत करेंगे और साल के आखिरी महीनों में आप सफलता का अनुभव करेंगे। व्यापार कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी बेहतर समय रहेगा। इस वर्ष में जो भी आपकी व्यापारिक यात्राएं होंगी या नौकरी करने वाले लोगों के लिए जो भी यात्राएँ होंगी वो लाभदायक होंगी। व्यापार में आ रहे जो भी संघर्ष हैं वो दूर होंगे, व्यापार में उन्नति होगी। इस वर्ष व्यापार क्षेत्र में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। किसी भी कानूनी मामले से दूर रहने का प्रयास करें, अपने व्यापारिक क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखकर चलें, कोई बात विवाद ना हो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। धन और आय की बात करें तो धन और आय के मामले में भी अगर हम देखें तो परिणाम आपको अच्छे मिल जाएंगे। इस वर्ष आपकी आर्थिक उन्नति होगी और इस वर्ष की शुरुआत में 18 मई तक का समय जब राहु देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो वहां पर अचानक हानि और अचानक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन इसके बाद आप देखें 14 मई के बाद का जो समय होगा जब बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव में हो जाएगा तो वहां पर आपको नए नए आय के साधन मिल सकते हैं, और राहु भी 18 मई से सप्तम भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे तो आपको व्यापारिक दृष्टि से भी लाभ होगा। आप धन कमाएंगे, एक से ज्यादा जगह से धन प्राप्त हो सकता है। आपका जो व्यापार कारोबार और नौकरी है वहाँ से अच्छे धन लाभ होंगे, नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
लेकिन शनि देव जो है आठवें भाव में रहेंगे 29 मार्च 2025 से, तो आपको अचानक धन लाभ कहीं न कहीं से हो सकता है, लेकिन कोई न कोई अचानक खर्चे परेशान भी कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। तो धन और आय के मामले में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं वर्ष 2025 में। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंध के मामले में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर गुरुदेव का गोचर 14 मई के बाद जब आपके एकादश भाव में होगा तो आपको प्रेम संबंध में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन वर्ष 2025 की शुरुआत में आपको अपने रोमांटिक रिश्तों के लिए कुछ न कुछ संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। आपके साथी में अहंकार की भावना बढ़ सकती है और इसके अलावा रिश्तों में तनाव का कारण भी इस वजह से बन सकता है। हालांकि 14 मई के बाद जो मैंने गोचर आपको बताया है गुरुदेव का, जब 11वें भाव में हो जाएगा तो रोमांटिक रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, एक दूसरे के साथ भरोसा भी बढ़ेगा और आपका अगर प्रेम संबंध पहले से है तो आप प्रेम संबंध को विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास भी कर सकते हैं। वैवाहिक संबंध की बात करें तो सिंह राशि वाले एम नाम वाले लोगों के लिए साथ की शुरुआत जो है वैवाहिक संबंध वाले लोगों के लिए अच्छी रहेगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी और एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे। रोमांस और प्रेम की संभावना काफ़ी बनी रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ आप यात्रा भी कर सकते हैं और वो यात्रा आप देखेंगे कि आपके संबंधों को और मजबूत करेगी। मार्च के आखिर में शनि अष्टम भाव में जाएंगे। आपको अपने ससुराल वालों के साथ वाद विवाद से बचना है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़ी कर कोई समस्याएं चल रही हैं तो उनका भी ध्यान रखकर चलना है। 18 मई से राहु सप्तम भाव में आएंगे और गुरुदेव एकादश भाव में होंगे तो उनकी सप्तम भाव पर दृष्टि भी बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस ज़्यादा होगा और आप अपने ससुराल वालों का सहयोग भी करेंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर आप थोड़ा तालमेल बना लेते हैं तो वैवाहिक संबंध वर्ष 2025 में आपके अच्छे रहने वाले हैं और अगर कोई वाद विवाद है तो उसको भी आप समाप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के मामले में एम नाम वाले सिंह राशि वाले लोगों के लिए वर्ष 2025 में अगर हम देखें तो आपका जो मई तक का समय रहेगा पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में आपसी तालमेल की भावना भी मजबूत होगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहेगा और 29 मार्च तक शनि की चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी। इस कारण आपको अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और माता के साथ कोई वाद विवाद ना हो इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है। दूसरे भाव में केतु रहेंगे, 18 मई तक रहेंगे, तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखें कि अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखकर चलें, नहीं तो पारिवारिक सदस्यों के साथ आपस में कोई ना कोई वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मई के बाद ये सभी स्थितियाँ बदल जाएंगी और तालमेल बेहतर होगा। गुरुदेव एकादश भाव में गोचर में आ जाएंगे और पंचम भाव, तीसरे भाव और सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि भी हो जाएगी। आपके संबंध पारिवारिक जीवन में अच्छे देखने को मिलेंगे। आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, संतान के बीच भी अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा और भाई बहनों के साथ भी रिश्ते बेहतर होंगे, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। स्वास्थ्य की बात करें एम नाम वाले सिंह राशि वाले लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, खासकर 29 मार्च 2025 तक। केतु दूसरे भाव में रहेंगे, राहु अष्टम भाव में रहेंगे और 18 मई तक रहेंगे केतु और राहु, और शनि जो है 29 मार्च तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। और 18 मई से राहु के सप्तम भाव में आ जाने से और गुरुदेव के 11वें भाव में गोचर करने से आपको स्वास्थ्य में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें भी आपको आराम देखने को मिलेगा। इसलिए मई के बाद का जो समय है आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन शनि 29 मार्च से पूरे वर्ष के लिए अष्टम भाव में मीन राशि में रहेंगे, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही होगा। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो पूरे वर्ष आपको उसका ध्यान रखना है और कोई भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या अगर होती है वर्ष 2025 में तो उसको टालना नहीं है, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना है और अपनी छोटी मोटी समस्याओं को बड़ा नहीं होने देना है। स्वास्थ्य का पूरे वर्ष ध्यान रखकर चलना है। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात ध्यान रखकर आप चलें।
मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।